नमस्कार, कैसे हैं सरकार? बढ़िया है। हमारा परिवार कैसा है? आपके घर के सब लोग बढ़िया है? माता पिताजी सब लोग ठीक चल रहे? चलिए, मम्मी पापा को मेरा प्रणाम बोलना आप लोग, ठीक है? आज मैं एक बहुत चमत्कारी प्रयोग बताने जा रहा हूं। ये शिवरात्रि आने वाली है, उसमें कर लेना। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं दरबार में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको तांत्रिकों के चक्कर में लुटने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता रहा हूं, ये भोले बाबा का प्रसाद है। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? मुस्कुराइए और बोलिए जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। आनंद आया? तो चलिए मैं बताता हूं। शिवलिंग प्रमाण 2 अंगुल का आपको बनाना है। कब बनाना है? आप शिवरात्रि के 4-5 दिन पहले से किसी नदी के किनारे की मिट्टी ले आइए और देसी गाय जो बछिया होती है उसका थोड़ा सा गोबर, ठीक है, बेल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, गाय जहां बैठती हो वहां की मिट्टी, और आप किसी पवित्र तालाब जिसे बोलते हैं वो ले लेना, वहां की मिट्टी। अगर आपको ये सब मिट्टी नहीं मिलती है तो पांसारी की दुकान जाना, बोलना वहां मुझे सप्त मृतका दे दो, 7 प्रकार की मिट्टी होती, वो दे देगा। उसको लाके थोड़ी सी मिट्टी में और मिलाकर, और ये गौ का जो गोबर है बछिया का, ये मिलाकर इसके छोटे छोटे 21 शिवलिंग बना लेना। कितने? 21 शिवलिंग छोटे, 2 अंगुल, अपने अंगुल बराबर। इसको सुखा के रख लेना। शिवरात्रि की रात को आपको ये प्रयोग करना है। कैसे करना है ये मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है? चलता हूं, फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो नहीं, इसी में बता रहा हूं। तैयार है? कॉपी पेन उठा लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए। चूंकि मैं गुरु का आदेश ही इसको मैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह बोलते ना बॉक्स, उसमें नहीं लिखूंगा। कॉपी पेन उठाइए। अब शिवरात्रि की रात को इन 21 शिवलिंग को आपको नहा धो करके 21 बेल का पत्र, 21 बेल पत्री, 21 शिवलिंगी के बीज, शिवलिंगी के बीज आपको पंसारी की दुकान पे 10 रुपए के ले लेना, बहुत हो जाएगा। धूप दीप, दीप घी का, सबसे पहले जाइए घी के दीपक करिए, धूप जलाइए शिवलिंग के पास। उसके बाद एक शिवलिंग और एक बेलपत्र लेना है, एक शिवलिंग के बीच इनको रखना है। अपने सर पर से आपको एक बार ये मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना है। मंत्र बोलो, चलिए गुरु का आदेश लेता हूं। ओम ओम शिवे, ओम महाशिवे, ओम रुद्रः शिवे, ओम हिम शिवे, ओम शं शिवे महाशिव, ओम ब्रह्माणे त्रिनेत्र स्वामी मम मनो कामना सीता शिवाय, गौरा शिवाय, रामा शिवाय, ओम सहस्त्र फण शेषनाथाय नमो नमः, ओम नमः शिवाय। ये बोलते हुए डाल देना। इस मंत्र के अंदर बड़ा रहस्य छुपा हुआ, बहुत रहस्य। ये एक एक करके इस तरीके शिवलिंग पर चढ़ाना है। लास्ट 21 हो जाए तब जल लेना, थोड़ा दूध मिश्रित, उसका अभिषेक करके आपको सीधे चले आना, ठीक है? अब सोचेंगे गुरुजी इसमें करना क्या है, मुझे क्या मिलेगा? बात यह आती कि मुझे क्या मिलेगा। आप ये पूरा जो कार्यक्रम है शिवलिंग बनाने से लेकर बेलपत्री लाने तक, दुकान से शिवलिंगी लाने तक, जिस भाव से आप बेलपत्र लाने जाएंगे, शिवलिंगी लाने जाएंगे, ये शिवलिंग बनाएंगे, जिस भाव से, जिस मनोकामना के लिए, ध्यान रखिएगा,
मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि शिवलिंग बनाने से लेकर बेलपत्री तोड़ने तक, दुकान से सप्तमृतका लाने से लेकर शिवलिंग बनाने तक, आपको अपने उस परेशानी, उस प्रॉब्लम के लिए, जिस समस्या से आज से नहीं, आप वर्षों से आपका परिवार और आप जूझ रहे हैं, उसकी कल्पना करना है और निवेदन करना है कि भोलेनाथ आपके लिए कुछ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अपनी कृपा बरसाइए, वो आज की रात तो आपको देना ही पड़ेगा, आखिर आपके द्वार से भक्त कैसे निराश लौट जाएंगे, मेरी तरफ भी निहारो, ठीक है। ये आप इसका मनन चिंतन करना है शुरू से आखिरी तक का, आपको शिवलिंग बनाने से लेके बेलपत्री लाने तक, दुकान से सामान लाने तक, यानी जो जो चीज वस्तु लग रही है इस कार्यक्रम में, वो लाने, ग्रहण करने से बनाने तक, अंत समापन तक आपको अपने कार्य का चिंतन करना है। और आप देखेंगे, मैं वादा करता हूं कि अगर आपने सच्ची लगन से, सच्चे हृदय से कर लिया, तो ये मिथ्या अगर निकल जाएगा तो बोलना ये ब्राह्मण की जबान है, गलत नहीं होगा, ध्यान रखना, गलत नहीं होगा। इसे आप करिए, लाभ उठाइए, आपका सेवक, आपका बेटा, आपका गुरु, आपका चरणों का दास रुद्र शरण महाराज हर वर्ष जिस प्रकार से आप लोगों के लिए सेवा करता है, इस वर्ष भी महारुद्रा अनुष्ठान होने जा रहा है, जिसमें निःशुल्क अपने सब्सक्राइबरों के लिए हम उनकी तमाम परेशानियों के लिए पूजन करने जा रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि आप लोगों के लिए इसी तरीके मैं कुछ ना कुछ करता रहूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।